वैसे तो डुवर्स में बहुत सारा इको पार्क है, लेकिन उनमें से एक इको पार्क में आज हम आए हैं अपने दोस्त गोविंद के साथ में। ये लोकेशन के बारे में बहुत कोई को पता नहीं है, चलिए बताता हूँ ये लोकेशन कहाँ पे पड़ेगा। ये लोकेशन आपका पड़ेगा बनाहाट से पश्चिम दिशा की ओर। बनाहाट से लगभग ये 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, ये एंट्रेंस है। इस इको पार्क का नाम है द ग्रीन लैंड होम। बोर्ड पर जैसे कि दिखा हुआ है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है खुला हुआ, 16 जून 2024 को ओपन हुआ है, उद्घाटन हुआ है इसका। अभी हम अंदर जाके देखेंगे कि अंदर हमें क्या क्या सीन देखने को मिलता है। ये देखिए टिकट, टिकट सिर्फ एंट्री के लिए है। अंदर में बोटिंग फैसिलिटी है, स्विमिंग फैसिलिटी है, उसके लिए आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज। तो यार गाना बनाने के लिए भी आए चैनल का नाम पता बस ऊपर करो तो गाइस दादा का चैनल के लाइक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू कहाँ करेगा? हाँ मैंने के मंगल घाटा करेगा। तो मंगल घाटा करेगा, बढ़िया था। चलो द ग्रीन लैंड हाउस अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं हरियाली ही हरियाली। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं नज़ारा अंदर से कैसा है। ये स्ट्रक्चर, ये घर देख रहे हैं जो आप, ये बम्बू से बना हुआ है, क्या और कारीगरी है। दोस्त गोविंद भी ब्लॉग शूट करा थे, ओकरो चैनल के सपोर्ट करवा, आईडी मैं मेंशन कर देबू। यहाँ से शुरू होता है स्विमिंग पूल का नज़ारा, देख सकते हैं आप लोग कितना अद्भुत और सुंदर नज़ारा है, क्या नीला नीला पानी है। मैंने तो आज से पहले स्विमिंग पूल कभी नहीं देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आके स्विमिंग पूल देख रहा हूँ। इतना अच्छा लग रहा है और इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अगर स्विमिंग का टिकट किया होता तो मैं ज़रूर स्विमिंग कर लेता, क्योंकि हमने स्विमिंग का टिकट नहीं किया है, इसलिए कि हम लोगों को इजाज़त नहीं है स्विमिंग करने के लिए। देख लीजिए वाओ क्या नज़ारा है, देखते ही नहाने का मन करेगा, स्विमिंग करने का मन करेगा। लगता है मेरा दोस्त स्विमिंग पूल की गहराई चेक कर रहा है। इको पार्क में आके हम लोगों को बहुत ही अच्छा फील हुआ, आप लोगों भी आ सकते हैं यहाँ पे और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, बोटिंग करने के लिए बोट है, और ये खूबसूरत सा बम्बू हाउस भी यहाँ पे बना हुआ है। तो भाई साहब यहाँ पे एक बंदर झूला झूल रहा है अरे यार छोटा बंदर आ गया इंजॉय बहुत कर लिया, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों, अब हम लोग घर जा रहे हैं, बाय बाय।